नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। पौड़ी में भारी बारिश के कहर को देखते हुए जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक जिलाधिकारी ने आज यानी 18 अक्टूबर को जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। वहीं सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को स्कूल में उपस्थित रहने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही आदेश नहीं मानने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। पौड़ी में मौसम विभाग ने आज यानी 18 अक्टूबर को जिले के कई स्थानों में भारी से बहुत भारी बारिश तो कुछ स्थानों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इस दौरान मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर पहली से लेकर 12वीं तक की और निजी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक अपने अपने विद्यालय के कार्यालय में यथावत बने रहेंगे। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी के आदेश के अवहेलना करने पर संबंधित स्कूल और संबंधित प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? आपको डर लगा होता कहीं पुल टूटने का भी डर होता होगा? उत्तराखंड के जनपद पौड़ी गढ़वाल में लगातार कल से बारिश का जो अलर्ट देखने को जो मिला है, मौसम विभाग का जो अरमान था बिल्कुल सही साबित हुआ है। बात करें आज 18 तारीख को तमाम सभी जगह स्कूलें जो बंद है, एक से लेकर 12वीं तक के जिला प्रशासन के जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा विजय कुमार जोगदंडे के तरफ से एक आदेश जारी किया गया था। वहीं शिक्षा विभाग के तरफ से भी अधिकारी ने पुष्टि यही की है कि आज के दिन जो है स्कूलें बंद रहेगी। लेकिन बात करें तो मौसम विभाग की अलर्ट जारी जो कर रखा है, तो एक मौसम विभाग का अलर्ट जारी बिल्कुल सही साबित हो गया है। तो वहीं बात करें प्रशासन की, जो आपदा कंट्रोल रूम पे तमाम वहां पे अधिकारियों को कहा गया है कि नजर बनाए रखे कहीं पे कोई घटना ना घटे, क्योंकि आपदा कंट्रोल रूम पे तमाम सभी अधिकारी वहां पे मौजूद थे और जिलाधिकारी महोदय ने सख्त निर्देश दे रखे कि जहां पे भूस्खलन की तरह जो घटना आती है तुरंत उस पर कार्रवाई किया जाए। और लगातार जहां पहाड़ों में क्षेत्र में बारिश हो रही है, जहां पे पहाड़ी क्षेत्र हमारे माने जाते हैं वहां पे बारिश से कई जगह रोडे जो बंद होने की खबर जो आ रही है, तो आपदा कंट्रोल रूम पे वहीं पे बताया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार बारिश को देर रात से बारिश हो रही है, तो आपको बता दूं जनपद पौड़ी गढ़वाल में कल से कहीं रुक रुक के बारिश जो हो रही है, तो आज यहां पे बारिश को तेज देखने को मिल रही है। तो वहीं प्रशासन या अधिकारी को सभी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और बात करें तो मौसम की, तो मौसम ने सही साबित हुआ है और कई जगह रोडे जो बंद होने की खबर जो आ रही है, तो प्रशासन का यही अंदेश है और प्रशासन का भी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपदा कंट्रोल रूम पे तमाम नजर बनाए रखे है। न्यूज 31 के लिए पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।